मानक जी, नहीं नहीं मानक जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि त्यागी जी ने सही बोला और सुशील मोदी जी का भी मैं बयान सुन रहा था। हमारे दो दो डिप्टी सीएम थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वही जून में जो फैसला हुआ था कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, कैबिनेट से का फैसला था, ये कोई फैसला किसी के बोलने से नहीं हुआ था, कैबिनेट का फैसला था, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर के लोग मिले। देखिए इसमें जो पक्ष है मैं आपको बता दूं और डिफिकल्टी है वो आपको बता दूं, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। जातीय जनगणना एक नाम थोड़ा आपको लगता होगा कि जात का मामला है, त्यागी जी ने इसको विस्तृत से कह दिया, हमें कहने की जरूरत नहीं, उसमें शैक्षणिक भी है आर्थिक भी है, ये होना चाहिए। और एक बात से मैं सहमत हूं त्यागी जी से कि जो आरक्षण मिला है, माना कि ध्यान दीजिएगा इस पर, जो आरक्षण 22% बैकवर्ड को मिला है वो आरक्षण सिर्फ ऊपर के दो तीन जातियों में सिमट करके रह गया, 90% तो उसका फायदा वही लेते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तभी तय होगा जब जातीय जनगणना के आधार पर, आर्थिक जनगणना के आधार पर ये पता चल जाएगा कि इस जाति की हिस्सेदारी कितनी है, किस जाति का परसेंटेज कितना है। लेकिन इसका ब्लूप्रिंट बिहार सरकार को बनाना पड़ेगा, अभी तो ये जनगणना हो रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, कंफ्यूजन यहां हो रहा है कि इसका मकसद क्या है, ये सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। और आपने जो बात कही कि अभी क्यों शुरू हुआ बाद में क्यों शुरू, देखिए मैं तूतू मैमे में नहीं जाता, प्रक्रिया है देर लगती है, मैं मानता हूं कि इसमें कहीं भी किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया है, सच बात तो ये है। अब आप कहिएगा कि केंद्र में आपने विरोध किया था, एक मैं आपको तथ्य बता देता हूं कि जब चिदंबरम जी ने इसको शुरू किया था 211 में, तो आपको पता होना चाहिए था कि बिहार में मिश्रा लिखिए, पांडे लिखिए, चौधरी लिख दीजिए, उसमें भूमिहार भी होते हैं ब्राह्मण भी होते हैं, तो लोग टाइटल लिख दिए तो 27 लाख जातियां आ गई थी उसमें, आपको ध्यान होना चाहिए, 4,000-5,000 जातियों के बदले 27 लाख जातियां आ गई। अब जैसे त्यागी जी ने बोला कि कुर्मी समाज अपनों को लोध राजपूत कहता है, वो क्यों नहीं कहे, त्यागी जी पटेल समाज जो है आज गुजरात में, पटेल समाज ओबीसी में नहीं है, अपने को बड़ा मानता है, तो ये भी अपने को बड़ा मानते हैं, इसीलिए अपने को लोध राजपूत कहते हैं, इनको भी सम्मान चाहिए। और इस देश में अगर हर आदमी को सम्मान मिलने लगे, एक दूसरे की सभी इज्जत करने लगे, छोटे बड़े का भेदभाव कम हो जाए, तो इस देश से मजबूत कोई देश हो ही नहीं सकता। जी बीजेपी का स्टैंड क्या है जातिगत जनगणना पर, हम मानने लगे आप कह रहे हैं कोई उसके विरोध में नहीं है, लेकिन केंद्र ने तो साफ साफ कह दिया कि हम कोई नहीं कराना चाहते जातिगत जनगणना, बिहार में आप उसको सपोर्ट करते हैं और केंद्र में आप कहते हैं कि हम नहीं कराएंगे। मानक जी आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, मानक जी आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं क्यों उसी पर बोल ही रहा था, मैं सुन तो लीजिए। तो ये केंद्र के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है मानक जी कि हर स्टेट में हर जातियों का स्टेटस अलग अलग है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, बिहार में कुर्मी समाज बैकवर्ड में आता है, ओबीसी में है, लेकिन वही कुर्मी समाज पटेल समाज वहां फॉरवर्ड में है, बिहार यूपी में कोली समाज जो है वो ये दलित में आता है, लेकिन वही कोली समाज ओबीसी में है गुजरात में, तो ये केंद्र के लिए पॉसिबल नहीं, तो राज्य सरकारों के लिए पॉसिबल है, तो आप अपने राज्यों में करवाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में करवा लेंगे क्या? मध्य प्रदेश में करवाएंगे क्या? गुजरात में करवाएंगे क्या? देखिए जो राज इसकी, अरे मानक जी सुन लीजिए ना, इस देश में विकास होना चाहिए, विकास के रास्ते में जिन राज्यों में मांग उठ रही है, जो राज्य चाहते हैं करा ले, अगर करा के लोगों को फायदा देना चाहते हो तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन मैं त्यागी जी ने ओपन चैलेंज दे दिया, 24 में मुद्दा बनाएंगे इसको, रामेश्वर चौरसिया कैसे निपटेंगे आप, क्या करिएगा? अरे सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा नहीं है, तो हमारा ही मुद्दा है। जब देश का प्रधानमंत्री ही हमारा अति पिछड़े से आता है और उसी ने इसकी सवाल उठाया था कि मैं भी आता हूं उसी समाज से, तो आज ये मुद्दा नहीं बन सकता। मुद्दा तब बनेगा जब इसको आपने लागू नहीं किया और उनको इसका लाभ नहीं मिला, तब ये मुद्दा बनेगा। ये कोई मुद्दा कैसे बना सकता है, सब इसके साथ। जहां तक मेरी जानकारी है चौरसिया जी, जो इस बार बिहार में ये सर्वे हो रहा है ना, मुद्दा बना देते चौरसिया जी, उसमें उपजाति नहीं पूछी जा रही है, कह रहा कोई उपजाति बता भी देगा तो पड़ोसी से पूछ लेंगे, सिर्फ जाति पूछेंगे उपजाति नहीं पूछेंगे, इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कौन सी जाति में किसको कितना उसको भी तोड़ने का या उसको भी बाइफर्केट करने की जो आप बात कह रहे हैं वो नहीं होने वाला, आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, आपको वही कह रहा हूं,
अरे आप फिर मानक जी कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे में भी बहुत उपजातियां हैं, हमारा टाइटल कोई बरेई लिखता है, कोई चैसौली चौरसिया लिखता है, कोई जैसवाल लिखता है, उसमें आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप पनेरी हैं। भूमिहार को कहना पड़ेगा कि हम भूमिहार हैं, मिश्रा पांडे नहीं लिखना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना नीतीश कुमार को इसमें? तो इसमें मैं, मुझे कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से समर्थन किया था। ओके ऑलराइट, और हम पुरजोर समर्थन करते हैं। ओके।